उलझनों में उलझे रहते हैं, बेचैनियाँ व्यक्ति को बहुत रहती हैं। संतों ने भी अपनी वाणी में कहा है, स्वामी नित्यानंद दयाल ने भी कहा, जिसने भी शरीर धारण किया है वो दुखी है। देह धरे सो सब कोई दुखिया सुखिया, ना कोई एक पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। जिसने भी शरीर धारण किया वो दुखी है, और सुखी है तो राम का प्यारा, मालिक के नाम की बंदगी करनहारा, मालिक के नाम का सिमरण करने वाला। नहीं तो सब दुखी है। नितानंद सुख नाम है और सुख दुख की खान, जहां जाए ता काल है बिना शरण भगवान। जहां जाए वहां काल है, मृत्यु हो रही है जीव की रोज, पल पल मौत हो रही है। 70 वर्षों के बाद तो काम पूरा होता है, दिए का तेल तो रोज खत्म हो रहा है, लेकिन दिया तो पूर्ण खत्म होने के बाद बुझता है। इस जिन लोगों के हृदय में प्रेम पैदा हो गया, मालिक के प्रति समर्पण भाव पैदा हो गया, प्यास होने लगी दर्शन की प्यास, कोई सूरवीर इस महत्व को जानता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो मांग ही करते रहते हैं। और एक बात मेरी ध्यान रख लेना सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत बड़ी दया है हमारे ऊपर, हम सब पे, कि वाणी मीठी लगती है, संत की संगत अच्छे लगती है। अपनी आदतों को ठीक करके मौका मत चुको, बंदगी किया करो, प्रार्थना किया करो। और दर्शन की प्यास जिनको लगती है ना, वो एक दिन निश्चित, वो एक दिन परमात्मा को पाएंगे। समय लग सकता है, जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि ये आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं। जब प्यास होती है, विरह पैदा होती है, भाव जब बनता है, दर्शन का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन। ऐसा जब भाव बनता है, क्योंकि दर्शन करने वाला व्यक्ति बिन मांगे सब कुछ मांग लेता है। एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख मांगने वाले को मुश्किल हो जाता है बेचारे को, और जो नहीं मांगते उनके पास पता ना क्या पहुंचा देते हैं। और यहां तक भी कहा है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगना ही मरण के समान है। फिर ये भी कहा है, अपने खातर मांगू नहीं, मांगू जग उपकार के, औरों के लिए मांगता हूं मैं, अपने लिए कभी नहीं मांगता। और जीव प्राणी हित के लिए मुझे मांगते हुए लाज भी नहीं आती, ऐसा संत कहते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक बात ध्यान से देना, इस बात को समझना, अपने जीवन को सार्थक करना है। देर सवेर पता नहीं क्या घटना घट जाएगी, क्योंकि ये निश्चित है, अटल सत्य है। यहां मिलने वाली चीज कोई भी जो कुछ दिखे धरन गगन में, एक दिन सब जासी। जो गगन धरण में दिखता है वो एक दिन जाएगा। इसलिए जो यहां दिखता है, ये शरीर भी एक दिन जाएगा। फिर अभिमान किस वस्तु का, फिर अहंकार किस वस्तु का, फिर दिखावा आडंबर पाखंड किस बात के लिए कर रहे हो? क्या सदा रहना है? इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर वैराग्य पैदा होगा, फिर प्यास पैदा हो जाएगी, फिर दर्शन की भूख पैदा हो जाएगी, फिर मांग पैदा हो जाएगी हरि दर्शन की। प्यास हमारे कद पहुंचा उस गामा, मेरे हिवरे में बस गयो
रामा। आज वाणी गुरुदेव कहते हैं स्वामी नित्यानंद दयाल अपने सदगुरु स्वामी गुमानी राम जी महाराज से प्रार्थना करते नित्यानंद को दर्शन दीजो, दर्शन का कंगाल है। गुरुदेव आपके दर्शन के बिना जीवन की कंगाली नहीं मिटती है। चाहे दुनिया का साम्राज्य मेरे पास होए, लेकिन ये साम्राज्य तो छूटने वाला है। तहसीलदार की नौकरी थी, राजशाही परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वो कोई काम की नहीं मेरी। मेरे अगर काम का है तो आपका दर्शन, ऐसा भाव बनता है तो विरह पैदा होती है। और ध्यान देना, जब तक आदतों में बदलाव नहीं आएगा प्यास पैदा नहीं हो सकती, रोना झूठा हो जाएगा। किसी की आत्मा नहीं दुखाना, किसी के साथ धोखा ना करना, ये छोटी छोटी आदत है। और सारे संतों ने इन्हीं बातों के ऊपर जोर दिया है, और यही आदत ही हमें लाचार बना के हमारे से गलत करवा लेती, बेईमानियां धोखा कपट करवा देती। इसलिए संतों ने जोर दे के कहा, मन तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। भाई कोई कायर थोड़ी बदल सकता है, ये भक्ति मार्ग सूरवीर का काम। जिनके हृदय में वैराग हुआ, मालिक के नाम की प्यास पैदा हुई है, उनके भीतर वैराग आएगा, उनकी चाह मिटेगी संसार की, मांग मिटेगी, ये झूठी भाग दौड़ समाप्त होने लग जाएगी। आज बेटा, पोता, आज वो, आज ये, पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जांदा है, ये काम नहीं मुकदे हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति खत्म हो जाते, बातें कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए गुरु के शरण में जब आते हैं, गुरु के मंदिर में जब आते हैं, तो सिर पे कपड़ा रख के नंगे सिर कदे नहीं जावे। ये पहचान है गुरु के लाल की, एक मर्यादा है मेरे गुरु के सामने, ऐसे नहीं जाना। सिर पे कपड़ा रख के और विनती करे, प्रार्थना करे, हे सच्चे बादशाह स्वामी नित्यानंद दयाल, मेरी बिगड़ी संवार दे, कर्मा के मारे तेरे दर दे पुकार दे। तेरे दरबार में आए हैं ये बाग संवारने वाले, हे कर्म के बंधन काटने वाले सतगुरु दीनानाथ। आपने अपनी वाणी में भी कहा है, सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक। मैं यही तो नहीं कहता कि मैं प्रीति पूर्ण रूपेण कर रहा हूँ, कमजोर हूँ ना, जैसी भी रुखी सुखी है, जैसा भी आपकी मेहर से होता है, क्योंकि मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है ना। मन कमजोर भी है, तन भी कमजोर है, धारणाएं भी बदलती रहती हैं, पर आप तो कृपालु। आपने कहा है, वही वचन निभाइयो जो तुम रखो बोल, नित्यानंद द्वारे खड़ा, अब कह पर्दा खोल, मैं तो तेरे दरबार में आ गया हूं। हे किस्मत संवारने वाले, हे भागों को संवारने वाले सदगुरु प्यारे, मेरी बिगड़ी संवार दे। प्रार्थना करें, विनती करें, नित्यानंद को दर्शन दीजो, दर्शन बिन कंगाल। दर्शन का कंगाल है, दर्शन का भाव बना हुआ है, दर्शन के बिना कंगाली है मेरे पास। सारी दुनिया की दौलत होते हुए भी कंगाल, क्योंकि जानते हैं ये दौलत तो क्षण भंगूर है, आज है कल किसी और के पास होगी। देखे हैं ना, कई बार बड़े बड़े अमीर घर बिगड़ जाते हैं, और बहुत समझ मिल के चलने वाले परिवार अति गरीब थे, आज महलों में रहते हैं। देखा होगा ना, कर्म करने वाले, अरदास करने वाले, विनती करने वाले, प्रार्थना करने वाले एक दिन कामयाब तो होते हैं, क्योंकि परमात्मा की अनुभूतियां, परमात्मा की चेतना काम करती है, जीव को जगाती है। यह दुनिया साढ़े दिल नहीं भावंदी, जब दर्शन का भाव को समझ लिया तो दुनिया की बातें फीकी लगने लगी। और हमने क्या लगता है, मीठे लगे, मस्करे फीके लगाए,
फकीर सत्संग में बैठते हैं तो आलस्य आने लग जाता है, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि रुचि नहीं है ना, रुचि तो और बातों में है। तो इसलिए कहते हैं तेरा हर से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है, सारे दरवाजे बंद करके बैठ रहे हैं। तिलक और लिबास से परमात्मा नहीं मिलता, लटा बधाने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो हृदय की मोहब्बत से मिलता है, सच्ची प्रीत से मिलता है, सच्चे दिल से जो रोए हैं उनको मिलता है। तो सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरुदेव कहते हैं यह दुनिया साडे दिल नहीं भावंदी, यह दुनिया मेरे दिल को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है, झूठा ख्वाब ख्याल है ये, इनके ख्वाब सपने ख्याल सारे ही झूठे हैं। आज तो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े सपने दिखाते होंगे, सारे ही मिथ्या हैं प्रभु। इसलिए झूठे सुख को सपने को सुख सपने के सुख को देख के भ्रमित मत होना, सपने के सुख को देख के राजा बन गए काम नहीं आएगा, आंख खुलते ही टूटी खटिया पर हो, आंख खुलते ही कंगाल हो, जरा देखना सपना 70 साल का भी हो सकता है और सपना 1 रात का भी हो सकता है। सपना तो सपना ही है, भले ही 1 मिनट का हो और भले ही पूरी जिंदगी का हो, जब अंत समय आता है ना तब बहुत करे पछतावा रे, तब पछतावा करता है, तब रोता है, तब चिल्लाता है, पछताता है क्या करूं, और अंत समय करोना काम नहीं आएगा। भाई गए वक्त का काम ना आवे तेरा रोना, भाई अंत समय का काम ना आवे तेरा रोना, अंत समय का रोना काम नहीं आएगा। इसलिए समय रहते रोज प्रार्थना करो, रुचि जब बढ़ने लग जाएगी, चाव जो बढ़ने लग जाएगा सत्संग में। मैं जानता हूं आज इतनी गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सोचते हैं जल्दी से खेत का काम, पशुओं का, घर का, ऑफिस का काम हो जाए, बस चुपचाप अंदर बैठ जाए। लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत बड़ी है। सर्दी में भी मैंने देखा धुंध बहुत होती थी, हाथ दिखता नहीं था, हाथ को हाथ नहीं दिखता, कई बार ऐसी धुंध भी थी, फिर भी आप आए। इतनी गर्मी में भी आप बैठे हैं, हर संडे को कितनी गर्मी होती है फिर भी आप पहुंच जाते हैं। तो इस प्यास को सार्थक कर लो, और सार्थक कौन करेंगे, गुरु महाराज दया करेंगे तब। इसलिए अर्ज करें, प्रार्थना करें, विनती करें। इसक तोक साडे गल बिच पड़िया, स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं नितानंद को दर्शन दीजो, दर्शन का कंगाल है। इसक तोक पट्टा गले बिच है, प्रेम का, परमात्मा का। इसक तोक साडे गल बिच पड़िया और बिरह बड़ा जंजाल है, विरह बड़ा जंजाल, क्यों रोना पड़ रहा है, शरीर पिंजर हो गया है। मीराबाई का शरीर जब पीला पड़ने लगा, कमजोर होने लगा, लोग कहें मीरा कह तन रोग, लोग कहने लगे मीरा बीमार है, तन का रोग है। पर मीराबाई कहती है मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद सांवरिया होए, मीरा की भी पीड़ तो जब मिटेगी, मेरे सतगुरु, मेरे सांवरिया, मेरे हकीम, मेरे वैद होंगे, तो मेरी पीड़ा मिटेगी, मेरा दुख मिटेगा, मेरा दर्द मिटेगा, नहीं तो और कोई दवाई औषधि मूल लगे ना। देखो बहु खाए के कितनी औषधि खा लो, कितनी ही दवा खा लो, नहीं लगेगी।
ये पीड़ा तो ये दर्द तो तब मिटेगा जब सांवरिया होगा। मीरा की विरह, मीरा का पीड़ा, मीरा का रोना, बड़ा महाराज बड़ा रोना था। मीरा ने तो यहाँ तक कहा है, जय मैं इतना जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढंडोरा पिटवा देती, प्रेम करियो मत कोई। कितना औखा है, मीरा बाई कहती मैं जानती कि इतना औखा है रोना, इतना औखा है उसके मार्ग में पास होना। दुनिया के लोग तो कर देंगे, वाह बड़ा अच्छी सेवा करता है, वाह बड़ा सेवक है, बड़ाई कर देंगे, लेकिन उस घर ये बड़ाइयां मिटाए के, मान बड़ाई की बातें छोड़ करके, नफरत की दुई की बात को छोड़ करके, एक प्रेम एक दर्शन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जी, मेरो गिरधर गोपाल दूसरा को है ही नहीं कोई, मेरे तो कृष्ण मीराबाई कहती है मेरा दूसरा है ना कोई। स्वामी नितानंद दयाल भी कहते हैं, नितानंद महबूब मिल महबूब गुमानी हो, कि मेरा महबूब गुमानी है मुझे दुनिया से यारी क्या, बस मेरा महबूब मेरा प्यारा मेरा प्रीतम मेरा परमात्मा मेरा महबूब है, फिर और यारी क्या करनी। साड़ी और निजहार नजर भर हे दीनानाथ, स्वामी नितानंद दयाल प्रार्थना करते हैं राम गुमानी साहब से, मेरी ओर नजर भर के देखो सतगुरु, साड़ी और निहार नजर भर, लाल हूँ सिर लाल है नितानंद महबूब गुमानी, नजरा नजर निहाल है, हे गुरुदेव आप नजर निहाल हो, दया के सिंधु हो, मैं आज आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो आज मेरी भी संवार दो, मेरी बिगड़ी संवार दो, मेरे कारज संवार, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा सिंधु हो, मेरी लाज राख लेना प्रभु, आप दया के दाता हो। प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थना करते करते बिनती कांग में एक पुकार आई है। स्वामी नितानंद दयाल बिनती कांग में कहते हैं, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुहार, काट फंद गोविंद अब नितानंद की वार। हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हुआ, हाथी समुद्र में पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा, दोनों झगड़ते रहे, काफी लंबा समय बीत गया और मगरमच्छ उसको पानी के अंदर खींच के ले गया। जब आखिरी सूंड बच गया थोड़ा सा, तब गज ने पुकार की, हाथी ने पुकार की, प्रभु मेरी करुणामयी पुकार सुनो, मेरी पीड़ा सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु। अंत समय जब पुकार पुकारिया तो आप सतगुरु आ गए, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुआर, हाथी की पुकार सुन के पलक में प्रगट हो गए थे। आज हम भी आपकी शरण है, काट फंद गोविंद अब नितानंद की वार, मेरे भी फंद काटो मेरे भी बंधन काटो। हे प्रभु त्रिविध रोग खंडन करण संकट हरण दयाल, नितानंद पर रीजियो बारंबार कृपाल। जो सेवक खोटी करे साहेब रुसे नाई, राम समाई के दणी बहुत चूक मुझ माई, हमरे अवगुण जोगिने छूटे न कई जन्म, जो तुम त्यारो राम जी पलक न लगे विलम। हे मेरे राम मेरे अवगुणों को गिनोगे, मेरे गुणों को देखोगे तो मेरी बात कभी नहीं बन सकती, मेरा उद्धार कभी नहीं हो सकता, मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो तुम त्यारो राम जी आप त्यारोगे मेरे राम तो मैं एक पलक भी ना लगे। आज तो आपकी शरण हूं, आज संवार दो, ये प्रार्थना में बैठा करो, आया करो दर्शन, प्रार्थना रोज करो, जब फुर्सत मिल जाए बस ऐसे ही चलो भाई। आज गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ करके बस बैठना है, कुछ मुख से निकले मत निकले, बैठना है।
दुनिया की कोई वस्तु नहीं मांगनी महाराज, दुनिया की वस्तुएं पूरी नहीं होंगी। पैदल चलने वाला साइकिल मांगता है, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर और नितानंद तृप्ते नहीं माया सुख से कोई, जो जो भोगे प्रीत से प्यास चौगुणी होए। ये माया के सुख से किसी की तृप्ति नहीं होती है, ये प्यास बढ़ती जाती है। आज ये और फिर ऐसा कर करके ऐसे बड़े बड़े कर्जे के ले लेता है और ऐसी दलदल में फंस जाता है। फिर न इधर का रहता, न उधर का रहता, न मर सकता और न जी सकता। और फिर ढोंगियों के पास, पाखंडियों के पास जा करके फिर कोई देवी देवता और भूत प्रेत और कराया कराया का चक्कर में पड़ के फिर रोता है। कुछ तो पहले पैसे नहीं है और फिर और पैसे लुटा करके वो लोग शोषण करते हैं, वो खून की तरह आपके पैसे को छीनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप रोटी खा के सोए हैं, भूखे सो रहे हैं, आप मेरे पास किस हालत में आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एक ही बात मैं स्पष्ट कहता हूँ, कभी पाखंडी की, ढोंगी की, कभी ऐसी संगत कभी मत करना। अगर प्रार्थना करनी है तो सामर्थ्य धनी बैठे स्वामी नित्यानंद दयाल, न कोई बीच में है, न कोई लेना है, न कोई देना है, एक सदगुरु के शरणों में बैठकर अरदास करो, प्रार्थना करो, विनती करो, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के सामने बैठ। जब मीठा लगने लग जाएगा ना आपके भीतर, जब चाव होने लग जाएगा, ये पक्का निश्चय मानना, इनके लिए दुनिया की कोई वस्तु ओखी नहीं है, कोई वस्तु कोई काम मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं चूक हमारी है, भूल हमारी है, क्योंकि हमसे नादानियां वश गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अपनी भूल संवारना, अपने आपके भीतर ऐसा प्रयास जरूर करना, कोई मित्र, कोई बंधु, कोई सगा, कोई संबंध या कोई भी जीवधारी। चरणदास महाराज कहते हैं, जीव दया और शीलता नख शिक्षों धारे, जीव के ऊपर दया करना और अपने भीतर शीलता नख शिक्षों धारे, नाखून से लेके चोटी तक अपने भीतर में धारण करें, तो ही आप सच्चे साधु हैं, आप सन्यासी हैं, आप वैरागी हैं और आप सच्चे साधक हैं और आप सच्चे प्रार्थना करने वाले हैं और आप सच्चे ईमानदार सतगुरु के प्यारे सेवक हैं। और उस प्रार्थना को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जप करने वाला का तप तपस्या खत्म हो सकती, तपस्या करने वाले का तप भंग हो सकता है, पर बिनते करने वाला तो पहले ही कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। कर गए पार लंगाइयो हम मूर्ख ज्ञान, शरण पड़े को राख लो सतगुरु संत सुजान। हम तो पहले हाथ जोड़ के बैठे, पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं, कर गए पार लंगाइयो, मेरा हाथ पकड़ के पार लंगाइयो, क्योंकि हम कुछ कदे ना कर सका, अब कुछ किया न जाए, करण करावण एक तुम, आपे त्यारने वाले हो, आपे रखनहार हो, हम कभी कर ही नहीं सकते। न तपस्या का अहंकार आएगा, न इस वर्दी का अहंकार रहेगा, न लिबास का अहंकार आएगा, न मेहनत का, न सत्संगी का, न ज्ञानी का, न त्यागी का, न वैरागी का, कोई भी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि छोटा हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए। इतनी नाना हो जिए जितनी नानी, दूब और घास जल जाएंगे, दूब रहेगी खूब और फिर चौमासा आएगा। फिक्र मत करो, आप देखिए दुख तकलीफ तो सबको आते हैं, दुख आपकी परीक्षा है और आपने उत्तीर्ण होना है, पास होना है, फेल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि दुख पीड़ाएं आती है प्रार्थना छोड़ के भाग जाए, नहीं, करते रहो। एक समय आएगा सूली सूल से टल जाएगी, एक समय आएगा बड़ी बात छोटी सी होकर के रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आप सच्चे विश्वास, सच्चा विश्वास, भरोसा और प्यार है तो। इसलिए आज से ही अपने मन में बदलाव लाएं, घर में परिवार में सेवा सिमरन करते हुए अपने सदगुरु को याद करें। बोल सदगुरुदेव महाराज। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है।
आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।